महाभारत काल के 5 श्राप जिन्हें आज भी भुगत रहे हैं लोग। दोस्तों, यूं तो आपने महाभारत से जुड़ी कई कथाएं सुनी होंगी, परंतु महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कथाएं हैं जिससे आज भी हिंदू जनमानस अनजान है। इस लेख में हम आपको महाभारत काल में दिए गए कुछ ऐसे श्राप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में ये माना जाता है कि उन श्रापों को आज भी जनमानस भुगत रहे हैं। युधिष्ठिर द्वारा स्त्री जाति को दिया गया श्राप। महाभारत में दिए गए श्रापों में युधिष्ठिर का स्त्री जाति को दिया गया श्राप सर्वविदित है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान अर्जुन ने महारथी कर्ण का वध कर दिया था, तब पांडवों की माता कुंती उसके शव के पास बैठकर विलाप करने लगी। ये देखकर पांडवों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसी क्या बात है जो हमारी माता हमारे शत्रु के शव पर अपने आंसू बहा रही है। तब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के पास गए और उन्होंने देवी कुंती से पूछा, माता क्या बात है जो आप हमारे सबसे बड़े शत्रु कर्ण के शव पर विलाप कर रही हैं? तब देवी कुंती ने बताया कि जिसे तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते रहे, वास्तव में वो तुम सभी का बड़ा भाई था। कर्ण राधेय नहीं बल्कि कौंतेय था। अपनी माता के मुख से ऐसी बातें सुनकर पांचों पांडव दुखी हो गए। फिर कुछ क्षण रुककर युधिष्ठिर अपनी माता कुंती से बोले, हे माते, ये बात तो आप सदा से जानती रही होंगी कि अंगराज कर्ण मेरे बड़े भाई थे, तब आपने हम लोगों को ये बात बताई क्यों नहीं? इतने दिनों तक ये बात आपने हमसे क्यों छुपा कर रखी? आपके एक मौन ने हम सभी को अपने ही भाई का हत्यारा बना दिया, इसलिए मैं आज इस धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में सभी दिशाओं, आकाश और धरती को साक्षी मानकर सभी स्त्री जाति को ये श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने अंदर कोई भी रहस्य नहीं छुपा पाएगी। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल समय चक्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें।